माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा है मस्टर्ड फील्ड्स का। ओ भाई साहब ये देख लें भाई, एप्पल ट्रीज के ऊपर फ्लावरिंग होती हुई, तो क्या विजुअल्स हैं ये, एकदम क्लासिकल। हे गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू मीर अरमान। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कैंटाबिल शोरूम कश्मीर वैली के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, और आज हम कुछ परचेजिंग वगैरह करने वाले हैं। पहले एक सूट केस देखते हैं, इसके अलावा हमें बहुत सारी आइटम्स लेनी है। और इस परचेजिंग के बाद हमारा जो ट्रैवल प्लान है वो है पहलगाम की ओर जाने वाले हैं आज। तो आज आपको पहलगाम की सैर भी करवाते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत परचेजिंग कर लेते हैं। ये एक हमारे पास सूट केस है जो कि कैरिन स्टाइल का, शायद इस पर कुछ ही बना हुआ है। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमें परचेज़ करनी है। यहाँ से एक हमें ब्लैंकेट लेना है, पिलो लेना है, देखते हैं कौन सा लेते हैं, ये भी अच्छा है वैसे, तो कोई एक यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हम एक स्टेशनरी स्टोर में हैं और यहाँ से कुछ बुक्स वगैरह हमने परचेज़ करनी है, बैग्स एंड अदर थिंग्स। यू नो यहाँ पे क्या कुछ मिलता है वैसे, तो मुझे क्या चाहिए, एक हाइलाइटर चाहिए था। तो जी ये है शारजा स्टेशनरी स्टोर, और इधर से हम निकल रहे हैं बाहर। वैसे वेदर कंडीशंस आप आज की देख लें, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कंटिन्यूसली सिंस लास्ट नाइट, तो अभी तक भी ये बारिश बंद नहीं हो रही है। एक और स्टेशनरी स्टोर में है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें परचेज़ करनी है। ये देख लें आप क्या कुछ आइटम्स यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छा स्टेशनरी स्टोर है ये अनंतनाग में, शारजा स्टेशनरी स्टोर। जैसा कि आपको मैंने बताया ही, बुक स्टोर अलग से है एंड स्टेशनरी स्टोर ये वाला है। तो ये परचेजिंग यहाँ से करके हम अब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं पहलगाम की ओर। मैं आपको आज मैं दिखाता हूँ, सैर करवाता हूँ पहलगाम का, वो भी ऐसी वेदर कंडीशंस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो रही है। और अभी तो हम फ़िलहाल परचेजिंग को समाप्त कर चुके हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से बाई करनी थी। हाइलाइटर मिल चुका है मुझे, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था। तो जी यहाँ से निकलते हैं अब हम पहलगाम की ओर। ये देख ले भाई वेदर कंडीशंस क्या है, बिल्कुल भी वेदर ठीक नहीं है। कंटिन्यूसली जो है रेनफॉल बहुत ज़ोरों का हो रहा है यहाँ पे, एंड हमें जाना है पहलगाम की एक प्लेस, वहाँ की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं भाई ग्रीनरी, मस्टर्ड फील्ड्स सामने, बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई यहाँ का, ये चेक करें आप, वाओ इट्स ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। ऐसी वेदर कंडीशंस में तो ट्रैवल करना बनता नहीं था, बट हमें करना पड़ रहा है, करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये रोड है जी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और गाड़ी के अंदर से तो भाई कुछ कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिल्कुल भी जो है ये साफ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे साइड विंडो से ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं। ओ भाई साहब ये देख लो भाई, ये है एप्पल के ट्रीज़ जिन पे फ्लावरिंग हो रही है आज की डेट में, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये सीन है। यहाँ पे आपको फ्रेश एप्पल जूस के स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे, इन ऑर्चर्ड्स के अंदर ही लगे हुए हैं, ऑर्चर्ड्स के हैं या गार्डन के हैं, बहुत लंबे चौड़े एरिया में। ये देख लें आप एप्पल के ये ट्रीज़ जिन पे फ्रेश फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी, और इस पूरे एरिया में फ्रेश एप्पल जूस के स्टॉल्स लगे हुए हैं जगह जगह। ये सामने आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट साइड में, इस पूरे एरिया में तकरीबन 2-3 किलोमीटर से हम आते आगे, और यहाँ पे ये स्टॉल्स हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये मैं पहले भी देख चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने तब आपको ये चीज़ें विज़िट नहीं करवाई थी जब मैं यहाँ आया था लास्ट टाइम। शाहिद भाई थे मेरे साथ, हम बाइक पर आए थे, तो वो टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। हालांकि वो दिन काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए, शाहिद भाई के लिए भी होगा आई थिंक, एंड उस टाइम पे वेदर बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज की डेट में आप देख लें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस वक्त, तो हमें आगे तो जाना ही है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं हम, वेदर कंडीशंस तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ये नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये फील्ड्स आप देख ले, मस्टर्ड फील्ड्स हैं, ओहो हो भाई साहब कितनी सुंदर फील्ड्स हैं ये, माशाल्लाह। इधर पे थोड़ी देर हम रुके हैं, अभी थोड़ा चाय वाय पीते हैं, इवनिंग के 4:30 PM हो चुके हैं, और अभी यहाँ से मैं चाय पीता हूँ और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देख लें भाई बारिश की वजह से, चीयर्स को
उल्टा करके रख दिया है, उल्टा नहीं कहेंगे बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। हेलो जी, इधर पे चाय पीते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है रास्ते में, परांठा एंड चाय। चाय बेकार है यार, परांठा से अच्छा है। 75 रुपीज़ का देते हैं चाय परांठा, एंड इसके साथ थोड़ा सा पिकल भी दिया है। तो जी निकल रहे हैं हम, अभी अश्मकाम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। अश्मकाम जैसा कि आप जानते ही होंगे, एक बहुत ही मशहूर यहाँ पे ये एक ज़्यारत है एक वली कामिल की। अब इनका नाम क्या है भाई, शायद जैन शाह है, कुछ ऐसा ही नाम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। वेलकम टू पहलगाम। वेदर कंडीशंस तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ख़राब हैं, लेकिन आज की डेट में भी यहाँ पे जो टूरिस्ट है बहुत ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी व्हीकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिली तो सारी टूरिस्ट व्हीकल्स ही ज़्यादातर इसकी ओर चल रही हैं। और ये जो आप यहाँ से नज़ारे देख रहे हैं, ये जितने भी होटल्स इस साइड बने हुए हैं ये सारे फुल होते हैं ऑल वेदर कंडीशंस में, चाहे आप विंटर्स की बात करें, समर्स की बात करें। अब तो वैसे समर्स का सीज़न आ ही रहा है। ये चेक करें आप, स्प्रिंग ब्लूम, वाओ क्या फ्लावरिंग है। एक साइड मस्टर्ड और फिर एप्रिकॉट ट्री या फिर पीच ट्रीज़ के ऊपर आपको ये जो है पिंक कलर की फ्लावरिंग दिखने को मिल रही होगी, तो ये काफ़ी अच्छे ऑसम विजुअल्स हैं इस वाले एरिया से। हालांकि वेदर उतना अच्छा नहीं है आप देख रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ जो है हमें देखने को मिल ही रहा है यहाँ पे। अगर कंडीशंस अच्छी होती तो यहाँ का जो ये व्यू होता, इस यहाँ के जो आउटस्कर्ट्स हैं ये एकदम अमेजिंग और ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी यहाँ पे अच्छी वेदर कंडीशंस में आएंगे और उस टाइम पे हम यहाँ पे थोड़ा रुक के जो है शूट करेंगे और आपको ये चीज़ें विज़िट करवाएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहलगाम का नाम तो सुनते हैं लेकिन यहाँ पे कभी विज़िट नहीं किए होंगे, तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो शूट करके दिखाया जाए यहाँ का क्या नज़ारा है। ये जो आप रिवर की ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं, ये जाके रिवर जहलम में जाके मिलती है और ये पहलगाम के लिद्दर इलाके से आती है, यानी कि बहुत ऊपर, या फिर हम बेताब वैली कहें, वहाँ से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज जहलम रिवर की जाती हैं। तो ये बिल्कुल इसके साथ साथ से गुज़रती हुई आगे की ओर जाती हैं। ये देख ले भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ के। अभी हम इस वाले एरिया में पहुँच चुके हैं, हालांकि जो मेन पहलगाम का बेताब वैली एरिया है वहाँ पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, वो थोड़ा यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे है। तो मैं यहाँ से थोड़ा टर्न लेके इस तरफ मैं जा रहा हूँ। आगे जो सामने मेरी डेस्टिनेशन है वो है आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। स्कूल के गेट का व्यू आप देख लें,